जब आईफोन की 10th एनिवर्सरी हुई थी तो रेवोल्यूशनरी अपग्रेड मिला था आईफोन 10 के रूप में। हालांकि ये सेम चीज मैं वॉच एप्पल वॉच की 10th एनिवर्सरी के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि एप्पल वॉच सीरीज 10 अब एकदम खराब वॉच नहीं बोल रहा मैं, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन स्मार्ट वॉच है जैसे कि सारी एप्पल वॉचेस होती हैं। पर रेवोल्यूशनरी अपग्रेड यार एप्पल वॉच सीरीज 10 को आप नहीं बोल सकते, मतलब अगर ऐसा समझ लो कि वॉच सीरीज 9 के मुकाबले एप्पल वॉच सीरीज 10 एक स्टेप अप है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं फाइबर बाय इंडिया टुडे, और इस वाली वीडियो में एक क्लोजर लुक ले लेते हैं एप्पल वॉच सीरीज 10 में और आपको बताता हूँ कि क्या कुछ है खास, क्या कुछ है नया इस वॉच के बारे में। पर ऑफ कोर्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो डेफिनेटली कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस साल की Apple Watch Series 10 पहले के मुकाबले स्लिमर है, लाइटर है और ब्राइटर है। आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो अभी तक Apple Watch Series 7 या फिर 8 या फिर 9 उनकी थिकनेस होती थी 10.7 मिलीमीटर्स, पर वॉच 10 का जो थिकनेस है उससे कम कर दी गई है, 9.7 मिलीमीटर्स है। और लुक्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो थिननेस जो है ना यार डिजाइन में पता लग रहा है, और इस थिन डिजाइन की वजह से ना वॉच थोड़ी सी लाइट वेट भी हो गई है पहले के मुकाबले, जिससे कि मुझे फिनिशेस के बारे में भी याद आता है। तो वॉच में आपको 3 शेड्स मिल रहे हैं एल्यूमिनियम में और 3 और शेड्स मिलते हैं टाइटेनियम में। तो बेसिकली जो स्टेनलेस स्टील वाली वॉचेस पहले आती थी उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है, अब उनकी जगह टाइटेनियम वॉचेस आपको मिलेंगी। बट टाइटेनियम पे भी वो शाइनी जो लग्जूरियस कोटिंग होती थी ना स्टेनलेस स्टील वाली, वो अभी भी मौजूद है। पर ऑल वाइल जो वॉच आपकी होगी क्योंकि टाइटेनियम है तो लाइट वेट आपको महसूस होगी ऑन योर रिस्ट। और मैं तो आपको एल्यूमिनियम वर्जन के जेट ब्लैक वाला एप्पल वॉच सीरीज 10 के बारे में बताना ही भूल गया, जो कि आईफोन 7 प्लस जब जेट ब्लैक में आया था उसकी याद दिलाता है, और काफी बेहतरीन लग रही है यार ये वाली फिनिश। इसके अलावा डिस्प्ले को बढ़ा दिया गया है, अब डिस्प्ले थोड़ा सा और कॉर्नर्स तक एक्सटेंड हो रही है, बेजल से पहले के मुकाबले कम है, सीरीज 9 के मतलब मुकाबले थोड़े बहुत कम लगेंगे, बट ओल्डर मॉडल से मिलाते हो तो बेजल्स काफी कम लगेंगे। और डिस्प्ले ऑलमोस्ट एज बिग एज अल्ट्रा 2 वॉच की तरह आपको लगेगा। और साइज की भी अगर बात करो तो साइजेस भी इंक्रीज हो गए, तो पहले आती थी 41mm और 45mm में साइजेस में वॉचेस आती थी वॉच 9 तक, पर वॉच 10 में आपको 42mm और 46mm के साइजेस मिल जाएंगे। बट इसके अलावा OLED डिस्प्ले है, 2000 nits की पीक ब्राइटनेस है, और एप्पल ऐसा भी कह रहा है कि जो OLED डिस्प्ले है वो पहले के मुकाबले 40% ब्राइटर है जब आप उसे एक एंगल से देखते हो। तो बेसिकली वॉच 10 के व्यूइंग एंगल्स पहले के मुकाबले बेटर होने वाले हैं। नाउ ऑफ कोर्स क्योंकि एप्पल वॉच है तो हेल्थ और फिटनेस फीचर्स एट द फोरफ्रंट रहते हैं, और अभी तक एप्पल वॉचेस में हमने SPO2 मॉनिटरिंग और टेम्परेचर सेंसिंग जैसे फीचर्स देखे हैं, और इस बार सीरीज 10 में वॉच टेम्परेचर सेंसर दे दिया गया, जिससे कि आपको बेटर इंसाइट्स मिलेंगे अपने स्विमिंग वर्कआउट सेशंस के दौरान। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है स्लीप एपनिया डिटेक्शन, जो कि लेटर रोल आउट करा जाएगा वाया सॉफ्टवेयर अपडेट। अब इनमें से कितने हेल्थ फीचर्स एप्पल वॉच सीरीज 10 के फाइनल वर्जन में आते हैं जो कि इंडिया में आने वाली है वॉच, वो देखने वाली बात है। इसके अलावा एप्पल वॉच सीरीज 10 में आपको ब्रांड न्यू S10 प्रोसेसर दिया है, और एप्पल तो भाई काफी तारीफ भी कर रहा है कि क्लियरर वॉइस कॉल्स है। इनफैक्ट आप इस वॉच पे म्यूजिक को भी काफी तेज वॉल्यूम पे चला पाओगे। चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो अब आप वॉच 10 को 0-80% केवल 30 मिनट्स में कर पाओगे, वर्सेस सीरीज 9 में जो कि 45 मिनट लगाती थी 0-80% करने में। और मोटा मोटा यही सब है एप्पल वॉच सीरीज 10 के बारे में। प्राइसेस जो है एल्यूमिनियम वर्जन स्टार्ट होता है 46,900 रुपीज़ से, वहीं टाइटेनियम वर्जन का प्राइस स्टार्ट होता है 79,900 रुपीज़ से। वॉच 10 अवेलेबल होगी फॉर परचेज स्टार्टिंग September 20th। बाय द वे एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 को एक नया फिनिश भी मिला, एक नया कलर है, कुछ नए फीचर्स भी हैं अंडर द हुड जो कि अगेन सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू रोल आउट कर दिए जाएंगे। But yes guys, this in a nutshell is your first look at the Apple Watch Series 10. आपके क्या ख्याल है नए वाले Apple Watch को लेके मुझे बताओ comments में, और जल्दी जैसी watches आ जाएंगी आपको in-depth content और भी आपके पास लेके आएंगे, तो उसके लिए stay tuned to Fiber, और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी अगली बारी वीडियो में। till then take care of yourself and thank you for watching.